नेहा शर्मा जी के अध्यक्षता में महाआरती का आयोजन किया गया तथा मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय उपाध्यक्ष सह प्रांत के मुख्य संरक्षक डॉक्टर स्वामी दिव्यानंद जी महाराज उपस्थित थे और विशिष्ट अतिथि में महिला प्रदेश अध्यक्षा निशी जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष महाराज पीताम्बर जी रक्तांबर जी महाराज, युवा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम शर्मा जी तथा रोहित शारदा, अरविंद खुराना एवं श्री राम सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारी संतोष बैठा, दीपक महतो, अविनाश महतो विशेष रूप से उपस्थित थे। सभी को दुपट्टा और पत्रिका देकर सम्मानित किया गया। साथ ही स्वामी दिव्यानंद महाराज जी ने कहा, भारत की सभी मंदिरों में हर शनिवार तथा मंगलवार इसी प्रकार लोगों की संख्या बल के साथ पूजा अर्चना होती रहनी चाहिए, जिससे लोगों के बीच आस्था और भक्ति का संचार होता रहे। मौके पर उपस्थित संतोष बैठा ने भी अपनी बातों को रखते हुए कहा कि आज के समय में सभी लोगों को आगे बढ़कर भक्ति के साथ साथ हिंदुत्व का भी परचम लहराना है, ताकि हमारा हिंदुत्व हमारे अंदर सदैव बना रहे। अन्य लोगों ने भी अपनी अपनी बातों को रखा तथा महिला टीम के नीलम कुमारी, बबली देवी, किरण देवी, अंजलि देवी, प्रीति देवी, पूनम, अर्चना, साथ ही अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। संत सुरक्षा मिशन के तत्वाधान में यहाँ की अध्यक्षा है युवा महिला अध्यक्षा नेहा शर्मा जी, उनका ये कार्यक्रम रखे हैं कि ये हिमू चौक मंदिर बहुत ही जागृत, शनि महाराज हैं, महादेव जी हैं, माता भगवती हैं, बजरंगबली हैं, इन सभी मंदिर में उनके चरण में एक आरती महाआरती का कार्यक्रम हुआ। ये करने से धर्म की जय हो, जो हम लोग नारा लगाते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। और इन सत्संगियों में क्या है कि जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हम लोग पूजा पाठ जाप पाठ में बहुत ही विश्वास रखते हैं, और ये होते रहेगा तो पूरे वातावरण में एक ऊर्जा का संचार होता है। हनुमान जी की कृपा सभी पर है, और शहर के इस मुख्य क्षेत्र में होने से एक एक लोगों के बीच में एक संचार, ऊर्जा का संचार हुआ, ऐसा अभी आरती में ऐसा प्रतीत हुआ है। और ये ऊर्जा को सभी एकत्रित करके, संचय करके, ये अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे, समाज की शक्ति बढ़ाएंगे, देश को शक्ति बढ़ाएंगे, और पूरा देश स्वस्थ होगा। एक वातावरण, दिव्य वातावरण का निर्माण हो रहा है पुनः, क्योंकि भारतवर्ष हम विश्वगुरु के नाम से जाने जाते रहे हैं। भारत की